गजा में गहराया शरणार्थी संकट दस लाख लोग पहुंचे खान यूनिस खाने और पानी का गंभीर संकट गजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में मानो लोगों का सैलाब आ गया है लाखों लोग गजा पट्टी के उत्तर से जान बचाकर यहां पहुंच रहे हैं लोग जो कुछ सामान उठा पाए उसके साथ लंबी पैदल यात्रा कर यहां पहुंचे हैं इन सबके पास कोई विकल्प नहीं था लेकिन खान यूनिस कस्बे के पास गजा शहर से आ रहे अपनी खुद की आबादी से दोगुने लोगों के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं है शहर की हर गली हर मोहल्ला और हर सड़क पुरुषों औरतों और बच्चों से अटे पड़े हैं और लोगों के पास यहां से कहीं और जाने की कोई दूसरी जगह नहीं है हमास का कहना है कि उत्तरी गजा में रहने वाले 11 लाख लोगों में से 4 लाख सलाह अलदीन सड़क के रास्ते दक्षिण की ओर रवाना हुए हैं इसराइल ने आम लोगों को चौबीस घंटे के भीतर गजा शहर को खाली करने की चेतावनी दी थी मैं दो दिन का भोजन लेकर अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ इसी बड़े से काफिले का हिस्सा था सात अक्टूबर को हमास के हमले में चौदह सौ इसराइली मारे गए थे उसके बाद इसराइल ने लोगों से गजा शहर खाली करने को कहा था हमास ने लोगों से कहा था कि वो हरगिज शहर न छोड़े लेकिन इसराइली बमों और हमले का डर ऐसा था कि लाखों लोगों ने गजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से का रुख किया लेकिन जमीन की पतली पट्टी जिसे चारों तरफ से इसराइल ने घेर रखा है से निकलना सुरक्षा की गारंटी तो कतई नहीं है किसी को नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है लाखों गजर निवासी खान यूनिस में पहुंच रहे हैं खान यूनिस की आबादी करीब चार लाख है लेकिन रातों रात यहां छह लाख लोग और पहुंच गए हैं इन छे लाख लोगों में हर एक को सिर ढंकने के लिए घर और पेट भरने को खाना चाहिए खान यूनिस में संसाधन बहुत ही सीमित है और जो है वो तेजी से खत्म हो रहे हैं शहर की आबादी करीब चार लाख थी जो गदा से आने वाले लोगों को जोड़कर रातों रात दस लाख से भी अधिक हो गई है शहर पहले ही गजा से आने वालों के बोझ से दबा हुआ था लेकिन अब तो लोगों का सैलाब आ गया है कुछ भी व्यवस्थित कर पाना नामुमकिन है यहां का प्रमुख अस्पताल दवाओं की कमी से जूझ रहा है अब अस्पताल भी लोगों का इलाज करने के बजाय एक रिफ्यूजी कैंप बन गया है डॉक्टर अस्पताल में इलाज की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉरिडोर शरणार्थियों से अटा पड़ा है फिजा में लोगों की चीख पुकार गूंज रही है आप लोगों को यहां आने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं संघर्ष के समय अस्पताल शायद सबसे सुरक्षित स्थान है क्योंकि उसकी सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत सुनिश्चित है यह कह सकते हैं कि अस्पतालों के कॉरिडोर में शरण लिए लोग खुशकिस्मत हैं कम से कम फिलहाल तो यह सही ही है डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है प्रति व्यक्ति सिर्फ तीन मिलीलीटर पानी दिया जा रहा है और सेहतमंद लोगों को देने के